नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे, सरकार की नजरअंदाजी और किसानों का संघर्ष। कारवा की रिपोर्ट से बाहर आई केंद्र सरकार की मीडिया नैरेटिव बनाने की रणनीति। दलित अधिकारों की वास्तविक अर्थों में रक्षा, तमिलनाडु में अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चे की मांग। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट। देश में 24 घंटों में 16,838 नए मामले, 113 मरीजों की मौत। देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर में शुरू हुए हजारों लाखों किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए। पिछले 100 दिन से किसान दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू, टिकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं और कृषि किसानों को वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। सरकार और किसानों की 10 से ज़्यादा बार बातचीत हुई है। केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। मीडिया और सरकार ने किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहा है। किसानों को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश भी हुई है, उन पर पत्थरों से हमले हुए हैं, मगर किसान अभी भी डटे हुए हैं और धीरे धीरे ये प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की बस यही मांग है कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं। किसानों का कहना है जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह खास रिपोर्ट। आज का जो दिन है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस खबर से भी बड़ा दिन है। 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब किसान जो है पहुंच रहा था सिंघू बॉर्डर, उससे पहले ही पूरे मीडिया ने बता दिया था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी आतंकवादी हैं। बात यहां नहीं रुकी। मोदी सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादी हैं। यह बात अलग है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ये कह रहे थे कि सिखों के राष्ट्रवाद पर, किसानों के राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी कि यह दोहरा खेल खेला जा रहा था। मैं नहीं भूला इन दो चेहरों को, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल, दोनों मंत्री। इनमें से एक जो हैं वो तो बातचीत भी कर रहे थे किसानों के साथ। एक ये कह रहा था कि एक टुकड़े टुकड़े गैंग की गिरफ्त में है, दूसरा ये कह रहा था कि किसान जो हैं वो अर्बन नक्सलियों की गिरफ्त में है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, 22 साल की दिशा रवि, इसे एक हफ्ते तक दिल्ली पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था। क्यों? क्योंकि इसके पास एक टूल किट मिली थी और उस टूल किट का मिलना मानो खालिस्तानी आतंकवाद को समर्थन देने का सबूत आ गया था। बाद में अदालत ने दिशा रवि को बेल पर रिहा कर दिया था। दिशा रवि का सिर्फ इतना गुनाह था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर जलवायु परिवर्तन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत की थी। व्हाट्सएप पर उन्होंने यह कहा था कि हो सकता है मेरे खिलाफ वो धारा लगा दी जाए जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है। उसका सिर्फ इतना गुनाह था। और उस टूल किट में एक भी ऐसा शब्द नहीं था दोस्तों, एक भी ऐसी पंक्ति नहीं थी जिसके जरिए यह पता चलता कि ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको ये तमाम चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूं, पहली बात तो यह कि आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए, और दूसरी बात, किसान आंदोलन का विरोध अगर आप वैचारिक तौर पर करें तो बात समझ आती है, मगर उस आंदोलन को टारगेट करने के लिए बीजेपी सरकार, उनके पालतू मीडिया, उनके प्रचार तंत्र ने बार बार झूठ का सहारा लिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब लाल किले में निशान साहिब का झंडा फहराया गया था तो बीजेपी प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोगों ने यह झूठ चलाया था कि वहां पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया, और फिर उसी झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान ने हम पर निशाना साधा था। पाकिस्तान ने यह कहा कि देखो खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराया गया है, और यह झूठ किसी और ने शुरू नहीं किया था बल्कि बीजेपी प्रचार तंत्र के गुर्गों ने शुरू किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश को बदनाम किसान कर रहा है या बीजेपी का प्रचार तंत्र? क्योंकि आज तक वो किसान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। मैं नहीं भूला हूं, वो निर्णायक मोड़, उस रात को नहीं भूला हूं दोस्तों, गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स पहुंच गए थे और बोल रहे थे किसान आंदोलन की आखिरी रात है।
बाकायदा दंगल किए जा रहे थे कि यह किसान आंदोलन की आखिरी रात है, मगर फिर उस एक तस्वीर ने पूरा पाला पलट दिया। पूरी तस्वीर को पलट दिया जब हमने देखा था किस तरह से राकेश टिकैत सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे किसान को क्यों बदनाम किया जा रहा था। उस रुदाली को मैं आज तक नहीं भूला हूं। और उसके बाद फिर से माहौल पलट गया। बड़ी तादाद में किसान जो है सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर का रुख करने लग गए और फिर से उस आंदोलन का चेहरा पलट गया था। मगर हकीकत यह भी थी दोस्तों कि लाल किले में जो हिंसा हुई उससे कई सवाल जुड़े हुए थे। पहला सवाल, आखिर किसानों को लाल किले में घुसने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने दी क्यों? दूसरा, किसानों की इस भीड़ की नुमाइंदगी क्या यह शख्स दीप सिद्धू कर रहा था? वो दीप सिद्धू जो कि सनी देओल के साथ भी दिखाई देता है, गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी दिखाई देते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखाई देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो रहस्य के पर्दे में ढकी हुई थी, मगर यकीनन 26 जनवरी को जो हिंसा हुई और जो मनमुटाव हुआ उसी के बाद सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। मगर किसान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। किसान अब भी आंदोलन कर रहा है और बहुत ही मुश्किल हालात में, क्योंकि उसके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र है, उसके खिलाफ पूरी ताकत है। मगर आज टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर किसान आंदोलन से जुड़ी महिलाएं, महिला किसानों की ये तस्वीर आने के बाद कहीं ना कहीं ये आंदोलन बतला रहा है कि वो अब भी जीवित है। हमारा अन्नदाता अब भी जीवित है और हमें बतला रहा है कि गांधी के सत्याग्रह के सही मायने क्या हैं। इसलिए आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर एक बार फिर मैं आपको सलाम करता हूं। कारवा मैगजीन के हाथ लगी एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि मीडिया में नेगेटिव पब्लिसिटी का सामना करने और नैरेटिव सेट करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की रणनीति क्या है। ये रिपोर्ट 5 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों ने तैयार की है। यह रिपोर्ट उस वक्त तैयार की गई थी जब सारा देश कोविड-19 महामारी की चपेट में था और इसे तैयार करने से पहले मीडिया क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग, इंडस्ट्री, बिजनेस चैम्बर के सदस्य और मशहूर हस्तियों से राय मशवरा किया गया था। इस रिपोर्ट का खुलासा ऐसे समय पर हुआ जब सरकार इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 को ला चुकी है, जिसकी पत्रकारिता संगठनों ने काफी आलोचना की है। इस रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ बिना तथ्य के लिखने वालों को न्यूट्रलाइज करने की रणनीति बनाए जाने की बात की गई है। यह रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और एस जयशंकर और राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, बाबुल सुप्रियो और किरण रिजिजू ने तैयार की है। तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन फ्रंट ने राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले एक दलित सामाजिक न्याय घोषणा पत्र को जारी किया है। ट्रेड यूनियन एवं कम्युनिस्ट नेता एम सिंगारवेलु की पुण्यतिथि के अवसर पर इस घोषणा पत्र को 11 फरवरी के दिन जारी किया गया था। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 20.01% है, जो कि 16.6% को राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। जाति दीवारों और बाड़े के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव, पंचमी भूमि को छीन लेने से लेकर हाथ से मैला ढोने तक तमिलनाडु में छुआछूत की प्रथा के प्रचलन में यथावत बने रहने की कोई सीमा नहीं है। घोषणा पत्र में मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया है, जिससे कि दलितों के खिलाफ इस प्रकार के अत्याचारों को समाप्त करने के साथ साथ उनके अधिकारों की गारंटी की जा सके। राज्य में दलितों के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने की दर में लगातार बेहद धूमिल प्रदर्शन को देखते हुए इस घोषणा पत्र पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार यानी 5 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,838 नए मामले सामने आए हैं और 113 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 13,819 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 2,906 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,73,761 हो गई है, जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 157,548 मरीजों की मौत हो चुकी है,
देश में कोरोना से पीड़ित 97.01% यानी 1,08,39,894 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.57% यानी 1,76,319 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,80,05,503 डोज दे जा चुकी है, जिनमें से 13,88,170 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। You